हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पारो की लाइफस्टाइल। और हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आप सबकी पारो। और आज एक नए रेसिपी के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो रेसिपी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम प्रॉन मलाई करी सभी हमारे घर पे बना के खाते हैं, तो वैसे ही मैं ये पनीर के साथ आज बना के दिखाऊंगी। तो आज का जो रेसिपी है वो है पनीर मलाई करी। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगी। और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिए। और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बनाने के लिए। हमें यहाँ पे फ्राइड पनीर, जो पनीर के क्यूब्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो मैंने हल्दी और नमक के साथ फ्राई कर लिया है। इधर मैंने अमूल का पनीर यूज किया है। आप मार्केट में जो भी अवेलेबल होता है वो पनीर यूज कर सकते हैं। और मसाले में ये है एक मीडियम साइज ऑनियन जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर लगभग 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और इधर एक मीडियम साइज टमाटर भी मैंने ग्रेट कर लिया है। गार्निशिंग के लिए मुझे चाहिए कसूरी मेथी, आप कोरिएंडर लीव्स भी यूज कर सकते हैं, यानी धनिया पत्ता। और सबसे जो मजेदार इंग्रेडिएंट है वो है ये, यानी दूध, जो कि मैंने अमूल का जो पाउडर दूध का पैकेट होता है उसको गर्म पानी में आप थोड़ा सा पानी के साथ इसको गर्म पानी के साथ इसको मिक्स कर लीजिए तो ये दूध आपको मिल जाएगा। अगर आप यही अमूल का पाउडर मिल्क यूज करें तो ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पनीर मलाईकारी की आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट इट। तो कढ़ाई में मैंने लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल दिया है। और इसके बाद अगर ऑयल गर्म हो गया है तो अभी यहाँ पे मैं साबुत जीरा ऐड कर रही हूँ। तो जीरा जब चटकने लगे इसके साथ ही हमें ऑनियन, जो ग्रेटेड ऑनियन पेस्ट है, उसको हमें ऐड करना है। और इधर मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्के से फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से इसे कुक कर लेना है, थोड़ा सा हल्का फ्राई करना है। तो ये जो हमारा आज का रेसिपी है ये लगभग हमारे बंगाली लोग प्रॉन के साथ ही ये रेसिपी ट्राई करते हैं, तो आज मैंने ये पनीर के साथ ट्राई किया। मैं बनाती हूँ अक्सर तो सबको अच्छा ही लगता है, तो आप लोग भी फ्रेंड्स लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे पनीर के साथ, बहुत अच्छा और रेस्टोरेंट स्टाइल एक टेस्ट आता है इसमें। तो जब तक ना गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको फ्राई करते रहना है। लगभग 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई करते रहिए। और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमारा जो ग्रेटेड टमाटर पेस्ट है उसको भी ऐड कर देना है। अभी तीनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब तक इन तीनों से ऑयल ना छोड़े तब तक इसको हिलाते रहना है करछी को। देखिए साइड से ऑयल भी छोड़ रहा है। अभी इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो सारे मसाले एक एक करके, जैसे कि जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और
लाल मिर्च पाउडर हम ऐड कर देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो जल न जाए। सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज्यादा नहीं। अभी मसाले को अच्छे से हम कुक करेंगे जब तक साइड से ऑयल ना छोड़े। अभी इसी टाइम पे हम नमक ऐड करेंगे जो कि स्वाद अनुसार है। और थोड़ा बहुत चीनी भी ऐड करेंगे। चीनी जो है आप थोड़ा सा कम ही यूज कीजिएगा क्योंकि जो अमूल का पाउडर मिल्क है उसमें मीठापन रहता है, तो हल्का सा अगर आप चीनी यूज करें तो ही बेहतर है, वो बैलेंस हो जाएगा। अभी देखिए ये साइड से ऑयल छोड़ दिया है। अभी इसी टाइम हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ ही देखिए कितना अच्छा कलर निकला है। अभी जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। मैं थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ इसके साथ। फ्लेम को मीडियम रख के इसको ढक देना है थोड़े टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए इसको ढक देना है। अभी ढक्कन खोल के देखते हैं। हाँ, ग्रेवी हमारा लगभग बहुत अच्छा कलर भी आया है, देखिए फ्रेंड्स। तो अभी हम फ्राइड पनीर के पीसेस इसमें ऐड कर दे रहे हैं ग्रेवी में, ताकि मसाला जो है वो पनीर के अंदर तक पहुंच जाए। और लगभग 2-3 मिनट के लिए इसके साथ यानी ग्रेवी के साथ थोड़ा सा इसको होने देना है। ग्रेवी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इधर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हमको ऐड करना है कसूरी मेथी। तो पूरा जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हल्के हाथों से कोरा इसको मिक्स करके और थोड़ा सा रेसिपी को स्टैंडिंग टाइम देना है। और इधर मैं हरी मिर्च भी ऐड की हूँ ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए खाने पर। तो एकदम बनके रेडी हो गया है हमारा आज का जो रेसिपी है पनीर मलाई करी, बहुत ही लजीज दिख रहा है ये। बनके तैयार है आज की खास रेसिपी पनीर मलाई करी। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए घर पे। इसे आप नान या रोटी के साथ, इसे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
तो आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा मज़ेदार और नए नए रेसिपी के लिए। थैंक यू, गुड बाय।